कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उनके पास है ऐसी बात नहीं है। हमारे खायद तो हमारे स्टेज से बोलते हैं कि इस देश का सबसे बड़ा नेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, महात्मा गांधी से भी बड़ा, पंडित नेहरू से भी बड़ा। इसलिए अम्बेडकर हमारे आदर्श हैं, हम उनको मानते हैं। और अम्बेडकर को मानने की वजह से जय भीम का नारा हमारा भी है भाई, क्या वंचित का अधिकार है कैसे। अभी तो बारिश का मौसम है और महानगर का जो चुनाव है वो सुप्रीम कोर्ट का सब्जेक्ट मैटर है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्टे दिया है, जब तक वो स्टे बाकी है चुनाव नहीं होंगे, चुनाव होंगे स्टे हटने के बाद, फिर स्टेट जो इलेक्शन कमिश्नर है वो डिसाइड करेगा। जो एक अच्छा डेवलपमेंट या जो भी डेवलपमेंट हुआ वो ऐसा है कि ओबीसी जो रिजर्वेशन था वो हट गया है, तो इसलिए उन वार्डों में जहां हमारे पास सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकते थे ओपन कैंडिडेट जाएंगे। इस तरह से 31 वार्डों में मैं समझता हूं हमको फिर से उम्मीदवारों के फॉर्म मंगाना पड़ेगा, वो एक नया काम करना है। दूसरी बात ऐसी है कि मजलिस इंशाअल्लाह पहले से ज़्यादा सीटें जीती। तो आपको क्या लगता है एमएम की तरफ से कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए कि हर नहीं, देखिए एक बात तो आपको मानना पड़ेगा, लोग अपनी कंप्लेन कर सके। नहीं, एक बात तो मानना पड़ेगा, पूरे लॉकडाउन में लोग खाने पीने को परेशान थे, ड्रेनेज पीने के पानी का मसला भी अपनी जगह अहमियत रखता है, मगर एमआईएम की टीम पूरी ताकत से काम कर रही है, इंशाअल्लाह आगे भी काम करेंगी। हमारे पास गए टाइम क्या ताकत थी, 25 कॉर्पोरेटर थे, हम सत्ता में थोड़ी थे, हम अपोजिशन में थे। अगर इंशाअल्लाह सत्ता में आए तो और अच्छा काम कर सकेंगे। इस बार इलेक्शन में जय भीम का नारा लगेगा, हमेशा कहते आते हैं। वंचित के साथ नहीं, देखो जय भीम का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उनके पास है ऐसी बात नहीं है। हमारे खायद तो हमारे स्टेज से बोलते हैं कि इस देश का सबसे बड़ा नेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, महात्मा गांधी से भी बड़ा, पंडित नेहरू से भी बड़ा। इसलिए अम्बेडकर हमारे आदर्श हैं, हम उनको मानते हैं। और अम्बेडकर को मानने की वजह से जय भीम का नारा हमारा भी है भाई, क्या वंचित का अधिकार है कैसे। जी, आगे एक आखिरी सवाल, महानगर पालिका में इस बार एमएम का महापौर देखने को मिल सकता है, हरा झंडा लहराएगा? हमको तो तवक्कुआत है, आप भी मदद कीजिए, इंशाल्लाह जीतेंगे।